हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल वीजे बर्ड्स लवर। फ्रेंड, हमारे पास जो बजरी तोते का एक जोड़ा है जिसका मेल स्पेंगल का है और फीमेल रेनबो बजीज की है। इसकी क्रॉस ब्रीडिंग हमने करवाई थी और फर्स्ट ब्रीड में इसने एक बच्चा ही निकाला था और वो बच्चा मैंने इस कॉलोनी में एक मटकी में शिफ्ट कर दिया था और वीडियो भी आपके साथ शेयर की थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के आखिर में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो फाइनली वो बच्चा अब बड़ा हो गया है, उसके काफ़ी फेदर आ गए हैं। तो अब वो बच्चा स्पेंगल बना है या रेनबो बना है, आपको भी बेसब्री से इंतज़ार होगा। मुझे भी था, लेकिन मेरा इंतज़ार तो ख़त्म हो गया है और आपका इंतज़ार भी मैं अभी ख़त्म कर दूंगा। आपको वो बच्चा भी मैं दिखाऊंगा। जैसा आप सभी जानते हैं कि हमने जोड़ा जो लगाया था उसका मेल स्पेंगल का था और फीमेल रेनबो की थी। तो क्रॉस ब्रीडिंग हमने करवाई और रिज़ल्ट आ गया है। एक बच्चा ही निकाला था और उस बच्चे को भी हमने कॉलोनी में शिफ्ट कर दिया था ताकि जल्दी से दोबारा ब्रीड हो और हमें फिर से जल्दी से बच्चे देखने को मिले, समय हमारा ख़राब ना हो। तो चलिए जल्दी से आपको लेके चलता हूँ सेटअप के अंदर। आपका भी समय मैं ख़राब नहीं करता हूँ, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो आ गए हैं हम अब सेटअप के अंदर। ये हमारा अल्बाइनो की फीमेल और ऊपर है हमारा वो जोड़ा। तो सबसे पहले ऊपर था, लेकिन केज थोड़ा मैंने नीचे कर दिया है क्योंकि बर्ड्स काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा था ये जोड़ा। तो ये मेल देखें बाहर अपनी ड्यूटी कर रहा है और फीमेल मटकी के अंदर है। ये देखें, मेल बाहर भी बैठा है और अभी चलते हैं जल्दी से अंदर और मटकी चेक करते हैं कि कितने अंडे आ गए हैं। मेल बहुत ही एक्टिव है, ये देखें, कलर देखें आप, और ये देखें फीमेल को। तीन अंडे हैं, तीन या चार अंडे होंगे, तीन तो दिखाई दे रहे हैं। तो तीन अंडे आ गए हैं, अब देखते हैं कि इस बारी कितने बच्चे हमें देखने को मिलते हैं। इससे पहले भी इस फीमेल ने एक बार ब्रीड कर दी थी और उस समय भी इसने एक बच्चा ही निकाला था, तो वो बच्चा बहुत ही बेहतरीन निकला है। वो बच्चा भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इस मेल के साथ जब पेयरिंग की उसके बाद इसका एक बच्चा ही निकला और वो भी अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो ये है हमारी कॉलोनी। अभी मैं चेयर के ऊपर खड़ा हूँ तो जल्दी से नीचे उतरता हूँ। तो अभी आ गए हैं हम कॉलोनी के अंदर और सभी बर्ड्स जो हैं वो अलर्ट हो गए हैं। ये देखें, सभी मेल अपनी ड्यूटी पर हैं, अपनी ड्यूटी पर लगे हुए हैं। दाना खाना, बच्चों को दाना खिलाना, फीमेल को दाना खिलाना, और फीमेल भी अपनी ड्यूटी पर हैं। ये देखें, ये देखें, और वो हमारी कोने वाली मटकी में है, रेनबो और स्पेंगल का बच्चा। यहाँ पर हमने शिफ्ट किया था तो ये वाली वो मटकी है। ये देखें, तीन बच्चे हैं इस मटकी में और जो बच्चा है वो होल के पास ही बैठा है। ये भी जो है इंतज़ार और बढ़ा रहा है। ये देखें, होल के पास ही बैठा, अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, बाकी दो बच्चे आप देख सकते हैं। तो इसको भी निकालते हैं मटकी से बाहर। मटकी से बाहर मैंने निकाल लिया है तो ये दो बच्चे मैं आपको दिखाऊं। ये देखें, ये दो बच्चे ही हैं और ये रहा बच्चा। अब इसके नीचे का जो एरिया है वो देख लें आप, थोड़ा मैं भी इंतज़ार बढ़ा दूं आपका। और ये पीछे की मार्किंग देख लें आप, ये बच्चा ना ही तो रेनबो निकला है ना ही स्पेंगल निकला है, ये नॉर्मल है। ये देखें, खैर कोई बात नहीं, ये नॉर्मल निकला है, लेकिन आगे चलकर ये नॉर्मल बच्चे नहीं निकालेगा। इसकी पेयरिंग हम ऐसी करेंगे कि ये जो है वो कुछ ना कुछ हमें रिज़ल्ट बेहतरीन ज़रूर देगा, या तो ये स्पेंगल निकालेगा या रेनबो निकालेगा। हालांकि मेल हमारे पास स्पेंगल का, अगर ये मेल निकला तो स्पेंगल के बच्चे ये निकालेगा ज़्यादा।
ये देखें एक बार अच्छे से दिखा दूं। अब अंडे दे रखे हैं वापस, तो अब देखते हैं अगर उसमें भी हमें कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, रेमबो या स्पेंगल बच्चे नहीं आए, तो इन दोनों की पेयरिंग हमें तोड़नी पड़ेगी। और मैं इन दोनों की पेयरिंग स्पेंगल की और रेमबो की अलग अलग बर्ड्स के साथ करेंगे और देखेंगे कि आगे हम सक्सेस हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो ये देखें बच्चा नॉर्मल ही निकला है, तो आगे देखते हैं अब ये क्या हमें रिजल्ट देगा जब बड़ा होगा। तो देख सकते हैं, चलिए इसको छोड़ देते हैं अब मटकी के अंदर। तो फ्रेंड्स यही थी अपडेट, सोचा आपको अपडेट दे दूं कि बच्चा कौन सा निकला है। तो फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और वीजे बर्ड्स लवर चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।